चक्रवाती तूफान तोकते का असर सोमवार को महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। बता दें कि अरब सागर में बना ये चक्रवात अपने साथ साथ भारी बारिश और हवाओं के साथ आया है। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ लोगों को काफी भारी नुकसान भी सहना पड़ा और इसी चपेट में आए अमिताभ बच्चन भी। अमिताभ बच्चन का ऑफिस भी इस तूफान की चपेट में आ गया। बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया है कि ऑफिस जनक में पानी भर गया है। इस दौरान उनके ऑफिस स्टाफ के शेल्टर भी उड़ गए। उन्होंने लिखा है कि यहाँ चक्रवात के बीच एक गहरा सन्नाटा है। पूरे दिन भारी बारिश, पेड़ गिर गए, चारों तरफ पानी की लीकेज, जनक ऑफिस में भी पानी भर चुका है। भारी बारिश के लिए प्लास्टिक कवर शीट फट गया। कुछ स्टाफ के लिए बने शेड्स और शेल्टर सूट गए, लेकिन लड़ाई की भावना बरकरार है। सभी तैयार है बाहर निकलना, ठीक करना, भीगने वाली स्थिति में भी काम जारी रखना। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा है कि सच कहूं तो कमाल का स्टाफ है। उनका यूनिफॉर्म गीला है और वो लगातार पानी टपक रहा है, लेकिन वो काम में लगे हुए हैं। मैंने खुद अपने वार्डरोब से उन्हें जल्द से जल्द कपड़े बदलने के लिए दिए। अब वो गर्व से बता दें कि इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि उनके कपड़े कुछ लोगों को ढीले हुए तो कुछ लोगों को टाइट। यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने अभिषेक की कबड्डी टीम पिंक पैंथर और टी शर्ट कलेक्शन की भी बात की। बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। शो के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे में वो हर दिन फैंस से सवाल करते हैं, जिसका सही जवाब देने वाले को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। बात कर रही है अमिताभ बच्चन की फिल्मों की, तो आने वाले दिनों में आप अमिताभ बच्चन की फिल्म गुड बाय की शूटिंग करेंगे। पहली बार पर्दे पर वो नीना गुप्ता के अपोजिट नजर आएंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म चेहरे ब्रह्मास्त्र, झंडू और ई द इंटर्न है। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।